हरे हरे कृष्णा, चलो चलो लग जाए इधर आ जा, हरि बोल हरि बोल। बोलो श्री नित्या नंदा महाजन की जय। बोलो बोलो श्री नित्या नंदा प्रभु की जय। हरे हरे कृष्णा, हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा, ए आ जा बैठ जा, हरि बोल हरे कृष्णा। देखो हम लोग बड़े भाग्यवान हैं, जो कि श्री नित्यानंद प्रभु का धाम में हम लोग आए। अभी हम लोग ने नवद्वीप धाम की परिक्रमा की, लेकिन पता नहीं यहाँ पर क्यों आए, इसका कारण क्या है। बोले कारण नहीं, जब तक श्री नित्यानंद प्रभु का कृपा नहीं होता है, तब तक श्रीमद महाप्रभु की कृपा नहीं करते। जब श्री नित्यानंद प्रभु का कृपा हो जाए, अरे महाप्रभु का कृपा अपने आप चिंता प्रति महाप्रभु का कृपा हो जाएगा। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जब घर छोड़ करके बारंबार तब महाप्रभु के पास में आते थे, लेकिन उनका परिवार के लोग जोर जबरदस्ती पकड़ कर ले जाते थे। लेकिन जब श्री नित्यानंद प्रभु का साथ में रघुनाथ दास गोस्वामी मिले, नित्यानंद प्रभु क्या बोले, बोले तू चोर हो, तू चोर हो। बोले क्यों? कहते जब राधा कृष्ण किसके संपत्ति, बोले मेरे संपत्ति है, लेकिन तू मेरे को बिना बोले बगैर अरे मेरे संपत्ति को हड़पना चाहते, इसलिए तू चोर हो, इसलिए मैं तुम्हें दंड प्रदान करूंगा। बोले क्या दंड? बोले सारे संतों से बात, सारे भाई भक्ति जगत में दंड भी बहुत बढ़िया चीज है, दंड भी बहुत बढ़िया चीज है। हाँ भंडारा, दंड मतलब होता है भंडारा है, इसलिए भक्ति जगत में दंड भी भंडारा है। इसलिए उन्होंने जब श्री सब वैष्णव को नित्यानंद प्रभु को सेवा की, फिर उनको ऊपर में महाप्रभु का कृपा पूर्ण रूप में हुई। फिर तो छोड़ करके घर गए तो गए, फिर वापस नहीं आए। इसलिए श्रीमद नित्यानंद प्रभु का कृपा नहीं हो तो भगवान महाप्रभु का कृपा नहीं करते। भंडारी है ना श्रीमद महाप्रभु, प्रेम का भंडारी कौन? श्री नित्यानंद प्रभु। सारे चाबी काठी इनके पास, जब तक ये चाबी काठी नहीं देंगे ना, तब तक भंडारा कोई मांगने वाले नहीं। अगर ये इनके पास में सारे चाबी काठी है, इसलिए हम लोग सबके सब श्री इनके धाम पर आए हैं। ये जा का नाम है एक चक्रा। क्या नाम है? एक चक्रा। और इस गाँव का नाम है रार गाँव। क्या नाम है? रार गाँव। रार गाँव मतलब क्या है? रार मतलब होता है ध और र, ये संस्कृत भाषा में एक है, इसलिए रार नहीं, ये राधा गाँव। राधा गाँव क्योंकि नित्यानंद प्रभु बलदेव प्रभु, बलदेव प्रभु कहाँ जन्म हुए थे? ब्रज में जन्म हुए, वृंदावन में जन्म हुए। वही नित्या श्री बलदेव प्रभु पिता बन करके आए, वही श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप में बन करके आए, इसलिए उनका जो नित्य धाम है श्री ब्रज धाम। इसलिए वृंदावन का एक नाम है राधा, वृंदावन का धाम जो है, जो वृंदावन, वृंदावन मतलब क्या? मूल जो वृंदा श्रीमती राधा रानी है, इसलिए वृंदावन मतलब ये राधा बन है। उसी तरह इसका नाम राधा गांव मतलब रार गांव मतलब ये राधा रानी का गांव, मतलब अभीर न ये ब्रजभूमि। क्योंकि जब इसी जगत में भगवान आते हैं, वो अकेले नहीं आते, बोले श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जी वे दया करी सपार सदस्य धाम सहवते, पूरा धाम समेत यहाँ पर उतरते, वो अकेले नहीं आते। इसलिए ये स्थान का नाम राधा गांव है, और इसका नाम एक एक चक्रा। एक चक्रा मतलब एक चक्र, मतलब जिस समय महाभारत युद्ध हो रहा था, युद्ध में भीष्म ने प्रतिज्ञा की कि मैं अस्त्र धारण नहीं करूंगा, कृष्ण ने प्रतिज्ञा किया कि मैं अस्त्र धारण नहीं करूंगा, लेकिन भीष्म ने किया उनका प्रतिज्ञा किया क्या? बल्कि तब सांत्वन तनु कहां हूं जब हरि के अस्त्र दाम, तभी मैं सांत्वन तनु हूं जब तक भगवान कृष्ण को अस्त्र धारण नहीं कराऊंगा, तब तक मैं सांत्वन का पुत्र नहीं। इसलिए आज भीष्म ऐसे युद्ध कर रहे थे, ऐसे युद्ध कर रहे थे अर्जुन को बाण मार मार करके, पूरा शरीर को उन्होंने तसनस एकदम छेद दिया, खून की धारा बहने लगी। इतने में कृष्ण ने देखा, लगता है आज तो अर्जुन खत्म हो जाएगा,
आज ये बूढ़े को क्या हो गया, भीष्म को, ये बूढ़े को क्या हो गया, ये तो छलांग लगा लगा कर बाण मार रहे हैं, लगता है मेरे भक्त अर्जुन को तो मार डालेगा। लेकिन भगवान क्या प्रतिज्ञा है, कौनते हैं प्रति जानी न मैं भक्त प्रक्षति, भगवान प्रतिज्ञा करते मेरे भक्तों का विनाश नहीं। इसलिए इतने में कृष्ण को रहा नहीं गया, इतने में कृष्ण पूर्व पर्वत से और वहां से चक्र उठा लिए और चक्र उठा करके बोला आज ये बूढ़े को जान से मैं खत्म कर दूंगा, बूढ़े मतलब पितामह भीष्म को। इसलिए जो रथ चक्र उठा लिया, इतने में पितामह भीष्म प्रेम में गदगद हो गए। देखो जिनकी एक इशारा पर विश्व ब्रह्मांड में सृष्टि स्थिति प्रलय हो जाए, आज ठाकुर जी मेरे प्रतिज्ञा को रक्षा करने के लिए, अपना भक्त प्रतिज्ञा रक्षा करने के लिए अपना प्रतिज्ञा को ये तोड़ दी। इसको देख करके भीष्म का हृदय गदगद हो गया, उनने धनुष को रख दिए, ठाकुर जी चरण उसके नीचे गिर गए। लेकिन भगवान चक्र उठा लिया था, भगवान की जो प्रतिज्ञा है, भगवान का प्रतिज्ञा कभी नष्ट नहीं होता है, वो सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्य, सत्य से चोरी निहितम च सत्य, सत्य से सत्य प्रत सत्य मित्री सत्यात्मक द्वाम शरणम प्रपद्ये। ये तैतरी से करो देवता भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान सत्य व्रत है जिसका व्रत कभी छूटा नहीं होता। लेकिन चक्र उठा ली, अभी चक्र क्या करें, वो तो सत्य है, इसलिए उन्होंने चक्र को फिर वहीं से फेंके। वो चक्र फेंके तो वो चक्र घूमते 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 आकर के यहीं पर फंस गया, इसलिए ये स्थान का नाम हो गया एक चक्र। इसलिए कृष्ण को पता था यहीं पर श्री दाऊ भैया, यहीं पर नित्यानंद बन करके यहीं पर ये प्रकट होएंगे। इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान, मतलब है जब तक ये नवद्वीप धाम नहीं आती है, श्री एक चक्र में नहीं आता है ना, समझो हमारे परिक्रमा ये पूर्ण नहीं होता, क्योंकि इनकी कृपा होगा नित्य करुणा हवे ब्रज राधा कृष्ण भावे, हे न नित्य बिन्ने भाई राधा कृष्ण भाई तेना है। जब इनकी कृपा नहीं होना तब तक महाप्रभु का कृपा नहीं होता। इसलिए हम लोग इतने दूर होने पर भी, इतने कष्ट करके भी कार्य में हम लोग इसलिए यहाँ पर आए, श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा मिलेगा और इनकी कृपा मिल गया ना, फिर तो महाप्रभु आप कृपा करेंगे। ये स्थली नित्यानंद प्रभु बड़ी प्यारी प्यारी लीला की है, अभी हमारे भक्त लोगों ने ये सब कथा सुनाएंगे। देखो इसको पीछे एक स्थान है, हम जाएंगे, उसका नाम हाटू गाड़ा। हाटू गाड़ा मतलब कभी सखाओं को साथ में खेलते खेलते इन्होंने यहीं पर दही चिड़ा महोत्सव, बंगाल में बहुत बड़ा उत्सव है दही चिड़ा। लेकिन पानी कहाँ से लाए, नित्यानंद प्रभु हाटू, हाटू समझ तो महाराज मंगलम हिंदी में क्या कहते हैं, घुटना, घुटना को उन्होंने काट दिया, पानी नहीं था कहां से काट दिया, तो एक सुंदर सरोवर हो गया और स्वयं गंगा देवी वहां साक्षात गंगा देवी। यहाँ के भक्त लोग मेरे को बोल रहे थे बोले वहां पर हम अभी जाएंगे, पीछे एक मिनट का रास्ता है, कहते उसको आचमन करने से गंगा में जो पुण्य है उससे कई गुण हजार गुण लाभ है अगर वहां से आचमन करो। क्यों, साक्षात बलदेव प्रभु नित्यानंद प्रभु की हाटू से, वो जो गंगा कौन है, गंगा कौन है, बामन देव का चरणा मृत, बामन देव को कृष्ण का अंश, उनकी अंश के अंश का अंश है। लेकिन साक्षात संकर्षण नित्यानंद प्रभु जहाँ पर हाटू घुटन को गाड़ दिए और गंगा प्रकट हुई कह रहे थे, वो गंगा से लाख गुना ज्यादा महत्व है अगर इसमें कोई आचमन करे तो। हम वहां भी आचमन करेंगे। इंद्र पांडव लोग यहीं पर अज्ञातवास में थे, यहीं पर एक वृक्ष है, जिस वृक्ष पर नीचे वहां पर तालाब है, नित्यानंद प्रभु जहाँ खेलते थे और जिसे काटा था, अभी श्रुतिकार के बहुत कुछ है, जहाँ पर श्री नित्यानंद प्रभु जैसे कृष्ण कदम वृक्ष के ऊपर चढ़ करके छलांग लगाए थे, वहां पर तालाब है, नित्यानंद प्रभु वही लीला करते थे। इसलिए हमारे यहाँ बीच में हमारे बहुत अच्छे अच्छे गुरुदेव के अत्यंत प्रिय शिष्य लोग सबके सब थोड़ी 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 नित्यानंद प्रभु के तत्व, उनके उपदेश, उनकी शिक्षा के ऊपर में सभी लोग थोड़ी थोड़ी बोलेंगे, हम लोग श्रवण करना, फिर हम लोग नित्यानंद प्रभु जहाँ जन्म लिया उसको दर्शन करते हुए फिर वापस चलेंगे। ठीक है, कौन बोलेगा महाराज जी।